नमस्कार, आई एम आदर्श। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी विल स्टार्ट योर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 32, एसे राइटिंग। हाउ टू राइट एसे, एसे के एसे है वो कैसे लिखा जाता है? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एसे वी कैन राइट। स्पोर्ट्स के पर ऐसे लिखा जाता है, देन स्कूल्स है तो स्कूल्स के पर ऐसे लिखा जाता है, देन सिटी है, बहुत बड़ा टाउन है, तो सब कर ऐसे हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाता है? तो ए पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डील्स विद अ सिंगल टॉपिक। ए टॉपिक सेंटेंस इज ए सेंटेंस ऑफन एट द स्टार्ट ऑफ ए पैराग्राफ, पैराग्राफ के साथ स्टार्ट होता है। देन एक्स एज एन इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक ऑफ ए पैराग्राफ। जिस टॉपिक पर हम ऐसे लिखते हैं तो उनका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो वहाँ से ही स्टार्ट हमको होना है। द टॉपिक सेंटेंस, जो टॉपिक दिया गया है ऐसे का, द टॉपिक सेंटेंस विल स्टेट द मेन आइडिया ऑफ ए पैराग्राफ। ये जो फर्स्ट पैराग्राफ हम लिखते हैं तो क्या होता है, तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो हमें टॉपिक दिया गया है उनका जो मेन आइडिया है उनको हमें लिखना है। इनके साथ हमें क्या क्या रिमेम्बर रखना है ऐसे के साथ, तो रिमेम्बर टू यूज कैपिटल लेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं तो ये जो फर्स्ट लेटर है वो हमें कैपिटल में लिखना है। एंड पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंक्चुएशन मार्क्स में जो फुल स्टॉप है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, ऐसा डिजाइन वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे। इट इज योर यूजुअल टू आवर इवेंट एट द पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ। नावाडेज विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स सम राइटर्स लीव ए लाइन स्पेस बिटवीन पैराग्राफ्स इंस्टेड ऑफ आइडेंटिटी। तो कंप्यूटर पर हमें ऐसे ही सिर्फ हम टाइप करते हैं, लेकिन हमको हमारे नोटबुक में लिखना है तो कैसे लिखना है तो ये आज हम सीखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये जो आपकी बुक है, बुक में एक पेज 32 पर है, पेज नंबर है 114। तो ऐसे राइटिंग है, तो ये जो फर्स्ट ऐसे है वो कौन सा दिया गया है, कैसे लिखना है? तो ऑन द सिटी, कोई भी सिटी के पर हम ऐसे लिखते हैं तो कैसे लिखना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे ऑन द सिटी, तुमका कल्चर कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो अबाउट इट्स कल्चर, देन इट्स जियोग्राफी, इनकी हम जियोग्राफी जान लेते हैं लिखने से पहले। देन गेटिंग हेयर, हम वहाँ से क्या क्या मिलते हैं हमें। एंड द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में है वो सिटी है वो कैसा है वो भी जान लेते हैं, और उनकी हिस्ट्री है। तो ये जो सिटी है हम जो जिनके पर ऐसे लिखते हैं तो उनकी हिस्ट्री कैसी है वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। देन आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में इनका जो सिटी है उनका आर्किटेक्चर बिल्ड कैसे हुआ है तो वो भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो आपकी जो बुक है ग्रामर बुक में ए में है रीड द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम दिस एसे ऑन द सिटी ऑफ एडिनबर्ग, राइट द करेक्ट टॉपिक सेंटेंस वर्ड अगेंस्ट ईच पैराग्राफ फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। ये जो वर्ड्स दिए गए हैं कल्चर, जियोग्राफी, स्पोर्ट, हिस्ट्री एंड आर्किटेक्चर, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो, तो एडिनबर्ग है वो सिटी है, तो एडिनबर्ग इज द कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड। एडिनबर्ग क्या है प्लेस, हमको क्या जाना है, कल्चर, जियोग्राफी वन बाय वन। तो कैपिटल सिटी ऑफ स्कॉटलैंड एडिनबर्ग क्या है, कौन सा सिटी है, तो स्कॉटलैंड का कैपिटल सिटी है। एंड इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द
कंट्री वो कहाँ आया हुआ है वो भी हमको पहले जान लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम गांधीनगर लेते हैं, गांधीनगर के ऊपर हम कैसे लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और वहाँ गुजरात में किस जगह पर है वो भी हमको जान लेना चाहिए। इस तरह ये जो कोटलाइन है कैपिटल की एडिनबर्ग है वो स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी है एंड इज सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो कहाँ आया है तो स्कॉटलैंड के स्कॉटलैंड कंट्री है उनके सेंट्रल पार्ट में आया हुआ है। तो ये थी इनकी जियोग्राफी हो गई, फर्स्ट है वो इनकी जियोग्राफी हो गई कब कब किस जगह पर है। देन सेकंड है पार्ट ऑफ वॉट इज कॉल्ड, ये जो आपके पेज में ये जो सेकंड पैराग्राफ है वो मैं पढ़ रही हूँ। पार्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न डे एडिनबर्ग हैज बीन इनहेबिटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स एंड सिंस द मिडल ऑफ द 14th सेंचुरी एडिनबर्ग हैज बीन नोन एज द कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। ये थी उनकी ये उनकी हिस्ट्री, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड। क्या हिस्ट्री वाई The part of what is called modern day Edinburgh has been inhabited for thousands of years and since the middle of the 14th century, the 14th century से उनकी history, it is known as the capital of Scotland. Then in the third paragraph, उनका architecture क्या है हम ये जानते हैं। ये जो एडिनबर्ग है उनका आर्किटेक्चर कैसा है, तो एडिनबर्ग हैज मेनी ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक बिल्डिंग्स, वहाँ कैसे कैसे किस तरह के बिल्डिंग है तो वो हमको जान लेना चाहिए पहले। तो एडिनबर्ग हैज मेनी ब्यूटीफुल एंड आइकॉनिक बिल्डिंग्स बट एडिनबर्ग का इज प्रोबेबली द मोस्ट फेमस, this is the most famous because of its position high above the city center. The most famous modern building is the Scottish Parliament building. वहाँ कौन कौन से बिल्डिंग है बड़े बड़े तो वो भी हमको जान लेना चाहिए क्योंकि हमें ऐसे में लिखना है इसलिए। तो ये है उनका आर्किटेक्चर। Then getting there वहाँ से हम हमको क्या करना है, तो whether you are traveling from another country और फ्रॉम समवेयर एल्स विद इन द यूके गेटिंग एन एडिनबर्ग इज इजी, कहाँ से इजी होता है वहाँ जाना। देर आर रेगुलर फ्लाइट्स फ्रॉम लंदन एंड फ्रॉम मेजर एयरपोर्ट्स इन अदर कंट्रीज, वहाँ जाने के लिए हमें किस तरह की फ्लाइट्स मिलती है वो भी हमको ऐसे में लिखना है। विजिटर्स कैन ऑल्सो अराइव इन एडिनबर्ग बाई ट्रेन, वहाँ ट्रेन से भी जाना सही है, प्लेन के लिए जाना और विल अराइव एट वन ऑफ टू मेन रेलवे स्टेशन बोथ ऑफ विच आर इन द सेंटर ऑफ द सिटी, वहाँ क्या है तो देयर आर टू रेलवे स्टेशन टू मेन रेलवे स्टेशन बोथ ऑफ विच आर इन द सेंटर ऑफ द सिटी, कहाँ है दोनों रेलवे स्टेशन है वो भी सिटी ऑफ द सेंटर में, सेंटर के बीच में ही है। फिर उनका कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, एडिनबर्ग इज ए वाइड कलेक्शन ऑफ सिनेमास एंड थिएटर्स, वहाँ बहुत सारे सिनेमास और थिएटर्स हैं एंड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ अगस्त इट होस्ट्स एन इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, वहाँ कल्चर में क्या क्या होता है तो वहाँ कोई कोई फेस्टिवल होता है। हमारा कल्चर कैसा है तो हमारी नवरात्रि है, दशहरा है, इनके त्यौहार मनाए जाते हैं, तो उसी तरह ये जो एडिनबर्ग है उनमें भी मंथ ऑफ ऑगस्ट देर इज एन वॉर्ड्स एन इंटरनेशनल आर्ट्स फेस्टिवल, वहाँ भी आर्ट्स फेस्टिवल मनाया जाता है। देन स्पोर्ट के बारे में जानिए तो ऑल्दो इट्स नॉट द बिगेस्ट सिटी इन द यूके एडिनबर्ग हैज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, वेदर यू वॉन्ट टू वॉच स्पोर्ट और प्ले स्पोर्ट इट हैज समथिंग, वहाँ ढेर सारी स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो ये सब जानने के बाद हम एडिनबर्ग के बारे में हम उनका सभी ऐसे लिख सकते हैं, क्या क्या जाना हमें, तो उनका कल्चर कैसा है,
इनकी ज्योग्राफी कैसी है, गेटिंग देयर वहाँ कैसे जाना है, देन स्पोर्ट्स के बारे में हम उनको जान लेना चाहिए, देन हिस्ट्री जान लेना भी चाहिए, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री, एंड आर्किटेक्चर, उनका जो आर्किटेक्चर है सिटी का वो भी कैसा है, वो सब हम ऐसे में दिखना है। ओके, तो हम किसी टाइप के ऐसे ये जो अलग अलग जो है टॉपिक है उनके बारे में हम पहले पता लगा ले, फिर भी हम बहुत अच्छी तरह से ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी टॉपिक पर हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।